हमारा एक रिसेंटली इवेंट हुआ था जिसका नाम है शक्ति उत्सव. इट वॉज अ फैशन शो फॉर अ ज्वेलरी ब्रांड. और यहाँ पर जब हमने लोगों को स्पेशली वुमेन वी स्टार्टेड विद सिलेक्टिंग अ रेगुलर अ नॉन प्रोफेशनल मॉडल वुमेन फॉर दिस शो, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अ मदर्स आस्किंग अस कैन हर डॉटर हु इज अ स्पेशल चाइल्ड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैशन शो. एंड इट वॉज अ बिग क्वेश्चन फॉर अस बिकॉज इतने सारे लोगों में जहाँ पर टीनेजर्स है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन थे, हर अलग अलग का बैकग्राउंड और एज की महिलाएं थी, लेकिन एक बच्ची जो स्पेशल चाइल्ड है क्या वो इतने क्राउड में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी, क्या वो वॉक रैंप वॉक कर पाएगी, ये सारे सवालों को लेकर हमने बहुत कन्फ्यूजन हुआ. एंड देन वी टुक अ कॉल दैट लेट्स गिव इट अ चांस बिकॉज दैट्स वॉट वी आर नोन फॉर, वी डू समथिंग extra and different. So we thought of giving an opportunity to the special little girl and trust me, she nailed it. We will definitely share her portfolio pictures and her fashion show pictures with you all and you will be stunned to see how beautifully she nailed it. Let it bang, bang. Hello everyone, welcome to this new episode of Exxon Talk Show और मैं हूँ आपकी host Karuna. आज का episode बहुत ही खास और बहुत ही special है क्योंकि मैं आपसे मिलाने वाली हूँ एक special लड़की से, special बच्ची बोलूँगी. So let me introduce you to a beautiful girl and her name is Bhanu Priya. So hi Bhanu, say hi. Very good. So she is Bhanu Priya. So लेकिन फिर भी मैं उनको पूछूंगी उनका नाम. Let's see. So what's your name, baby? भानुप्रिया. एंड योर लास्ट नेम? आपका पूरा नाम? कौशिक. कौशिक, वेरी गुड. सो शी इज भानुप्रिया कौशिक. एंड आपकी एज क्या है? 19, 19, 20. ओके, सो शी इज 20 ईयर ओल्ड. अच्छा भानु, आपको याद है हम कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? मैं कहाँ मिली थी? औरा में. वाओ, सो राइट. तो हम एक फैशन शो में मिले थे और आपने फैशन शो में वॉक भी किया था, तो आपको कैसा लगा? अच्छा. अच्छा, तो मुझे ऐसे जोर ऐसे दिखाइए कैसे अच्छा लगा. अच्छा, बस इतना ही छोटा सा अच्छा लगा? आपको ज्यादा अच्छा लगा? बहुत अच्छा था. सो शी इज भानुप्रिया. यू कैन सी हाउ स्पेशल शी इज एंड यू कैन सी द वे हर इनोसेंस इज, द ब्यूटीनेस इन हर टॉक, एंड यू कैन सी हाउ मच शी लव्ड द फैशन शो. सो भानु, मुझे बताइए, आप फैशन शो में वॉक किया आपने, ओके, तो आगे भी और फैशन शो करना चाहोगे? आपको अच्छा लग रहा है? वाओ, तो आपको कौन कौन सी चीजों का फैशन शो करना है? कपड़े. ओके, कपड़े हो गए. और भी कुछ है? मेकअप. वाओ, सो सी शी वांट्स टू एक्चुअली मेक अ फ्यूचर इन दैट, शी वांट्स टू बिकम अ मॉडल. तो आपको मॉडल बनना है, राइट? बिग मॉडल, दैट इज सो क्यूट. सो भानु, मैंने सुना है आपने हॉर्स राइडिंग भी सीखना शुरू किया है. रियली? तो आप हॉर्स राइड करते हो? Yes, wow. और मुझे पता चला है कि आप ड्रामा भी सीख रहे हो. थिएटर. Wow. So you can see how many things she's learning. She's putting her best effort. And I know कि जितने काफी जो लोग देख रहे होंगे, they must be falling in love with her innocence, her passion towards doing something. She's special, no doubt. But she comes with special qualities, special dream. And I'm sure people like us, if we support these special kids, they can actually achieve their dream and actually make the world like it's normal for everyone, right? But in this interview, it's not only Bhanu, the support is also with the family. I've seen many special kids who struggle with a lot of things. सबसे ज्यादा उन्हें क्या लगता है? Support. फैमिली का ही नहीं, सबका. मैं चाहूंगी कि उनकी मॉम भी हमारे साथ थोड़ी बहुत बातें करे और हमें बताए भानु के बारे में और ज्यादा बातें. तो हम मम्मा को बुलाए. तो उसके पहले ना मुझे थोड़ा सा जानना है, आप मुझे दो लाइन में बताइए, आपको क्या क्या अच्छा लगता है? खेलना अच्छा लगता है? हाँ. किसके साथ खेलते हो? फ्रेंड्स है, मम्मा है? मम्मा के साथ खेलते हो. टीवी देखते हो? टीवी देखते हो? क्या देखते हो टीवी में? कार्टून.
कार्टून देखते हो? तो आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर क्या है? डिज्नी प्रिंसेस देखते हो? बाबी डॉल, डिज्नी प्रिंसेस, कुछ देखते हो जहां पे डॉल हो, प्रिंसेस? सॉरी मैडम सर, मैडम सर, ओके। अब मैं तो नहीं देखती हुई है, लेकिन हाँ आई एम श्योर वो देखती है। अच्छा तो ये टीवी पे आता है, कार्टून है या से वेब सीरीज है, क्या है मैडम सर? इट्स ओके हम गूगल करेंगे, हम सब गूगल करेंगे और देखेंगे मैडम सर है क्या जो भानुप्रिया इतना देखती है, ताकि हमें भी पता चले इंटरेस्टिंग इतना क्यों है, तो हम गूगल कर लेंगे। ओके थैंक यू सो मच। सो लेट्स कॉल हर मदर हु वुड लाइक टू टेल अस हाउ दिस ड्रीम केम इनटू हर माइंड, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ड्रीम किसी की तरह किसी के जरिए से उनके तक पहुंचा है। सो लेट्स ट्राई टू सी हाउ भानुप्रियाज मॉम प्रीति वुड बी एबल टू हेल्प हर। So hi Preeti ji, welcome in Exxon Talk Show. Thank you. Welcome. वैसे मैंने थोड़ा बहुत तो अभी भानु से बात किया, उसके बारे में काफी चीजें हमने बातें, इनफैक्ट उसने खुद के बारे में काफी बातें की है, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी भी वो शायद आपको आंसर्स बता रही है। सो आपको भानुप्रिया के बारे में थोड़ा हमें बताइए। भानु जो उसका मेडिकल डायग्नोस है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है कुछ परसेंटेज में, लेकिन मेरे लिए तो वो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा मेरे पास है। हाँ बस एक ही टेंशन होता है कि इस दुनिया में उसको लोग ऐसे मिले जो हमेशा उसको सेफ रखें, उसके लिए केयर करें, बस दैट्स इट। बस मेरी वन एंड लास्ट जो टेंशन है वो यही है कि हमेशा वो अच्छे लोगों के बीच में रहे। और दैट्स वेरी ट्रू, शी इज वेरी केयरिंग, बिकॉज इसलिए वो ध्यान दी थी उसकी मम्मा के हेयर कहाँ पर टच हो रहे गाल पे, तो हटा रही, शी इज टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स सो वेल। सो प्रीति जी, आपने ये कैसे सोचा कि उनको मॉडलिंग में जाना, या फिर ये उनकी सोच थी? नहीं, वो तो बहुत ही इनोसेंट सा चाइल्ड है भानु, तो उसको तो पता नहीं है दुनिया में क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ही क्यूट है। लेकिन मैं बचपन से ही उसके जैसे, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के फोटो खींचते हैं, तो मैं भी उसके फोटो बचपन से ही क्लिक कर रही हूँ जब से वो बहुत छोटी थी, और मैंने हमेशा उसके फोटोग्राफ्स को बहुत ही, मतलब बहुत ही सुंदर मुझे लगे, क्योंकि उसका फेस बहुत ही फोटोजेनिक है। अब खींचते खींचते मुझे ये लगा कि मैं उसको, क्योंकि उसके साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, एकेडमिक्स में वो उतना नहीं कोप अप कर पा रही थी, और मुझे उसको कहीं ना कहीं पहुंचाना है, उसकी इंडिविजुअलिटी को एक पहचान देनी है, क्योंकि हर इंसान की, चाहे वो उसमें कुछ कमी भी है तो भी उसकी अपनी एक पहचान है, right, उसमें एक स्पेशलिटी है जिसको सबको समझना चाहिए। कोई भी इंसान कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, सबकी एक अपनी अलग खासियत है। तो मैं जो देख रही थी कि उसका फेस बहुत ही फोटोजेनिक है, तो मैं इसको प्रिंट शूट में डाल सकती हूँ। wow. तो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स करने शुरू किए, मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मैंने अप्रोच करना शुरू किया और कर भी रही हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो सब देखें और समझें कि हम कहाँ इस तरह के जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है। Absolutely. बस ये कि एक्सप्रेशन उनका उतना नहीं है जितना लाउड हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये नहीं कर पा रहे। उनका एक अपना अलग टैलेंट है, और मैं, मेरा जो ड्रीम है, अब आप इसको शेख चिल्ली भी कह सकते हो, मैं तो देखती हूँ कि उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ऐसा मेरे इमेजिनेशन में आता है। तो ये इमेजिनेशन रियलिटी ही है, आप ये समझिए, ये इमेजिनेशन नहीं है। सभी ने तारे जमीन पर फिल्म जरूर देखी होगी, और उसमें जो बच्चा है उसके लिए एक निकुंज सर है, तो मैं चाहती हूँ कि ये निकुंज सर सिर्फ फिल्म में ही ना रहे बच्चों के लिए, रियल दुनिया में भी इन बच्चों को निकुंज सर मिले जो उनको इम्प्रूव करने में, उनको उनकी एक तरह से देखा जाए तो
उनको एक कुछ अचीव करने में उनको हेल्प करें। एब्सोल्युटली ट्रू, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपने भी ये शुरुआत की है उसे, इतना जो आप सपोर्ट कर रहे हो, आप उसमें टैलेंट ढूंढ कर निकाल रहे हो कि इसके लिए क्या आप करियर बना सकते हो। एंड आई कैन सी द एफर्ट, क्योंकि जब मैं आपसे पहली बार इंटरेक्ट कर रही थी, मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था कि हम कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बट आई सॉ दैट शी, इट वॉज वेरी स्मूथ एंड एवरीबडी लव्ड हर एंड शी रियली लुक वेरी गॉर्जियस इन ऑल द पोर्टफोलियो पिक्चर्स। सो प्रीति जी, कोई चैलेंजेस आपको लगते हैं, लाइक बिकॉज आई फील देयर इज नो चैलेंज, उनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम फैशन शो हमने पूरा किया, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है व्हेन यू गो आउट विथ हर? सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिकेशन लगता है, क्योंकि भानुप्रिया की कम्युनिकेशन बहुत ही वो हमें तो हर चीज कन्वे कर पा रही है, हमें अपना 100% कन्वे कर पा रही है, लेकिन हमारे साथ भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम उसका कोई वर्ड नहीं पकड़ पाते हैं। राइट right. लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो लिख के या उस पे गूगल पे कुछ टाइप करके, मतलब वो अपनी तरफ से क्लू देने की कोशिश करती है। That's nice. लेकिन हमें तो वो क्लू दे देती है, लेकिन जब वो बाहर निकल रही है तो इतना स्पेस ही नहीं होता है कि आप किसी को लिख के या टाइम, इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है कि वो उसको इतना टाइम दे, उसकी बात समझे। Absolutely. तो वो क्योंकि कम्युनिकेशन यदि आपका क्लियर है तो आप अपनी हर चीज कन्वे कर पा सकते हो। True. तो वही सबसे बड़ा हर्डल भानु के साथ कम्युनिकेशन है। Right. लेकिन उसको भी वो, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो उसको अपनी, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है उसमें वो उसको कन्वे करने की कोशिश करती है। राइट, दैट्स वेरी ट्रू, हमने हमने तो इंटरेक्ट किया, हमें पता है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो आपका एक कॉल, लेकिन हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने कुछ अलग सीखा, एक अच्छी इनिशिएटिव, काफी लोगों ने हमें भी बहुत अप्रिशिएट किया कि एक स्पेशल चाइल्ड को आपने मौका दिया। बट आई वुड थैंक यू प्रीति जी, बिकॉज वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। मेरे जो भानुप्रिया को इस ऑरा फैशन शो में जो भी चांस दिया आपने, आपने उसको लिया, मैं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। मतलब जब मैंने उसका वो रैंप वॉक देखा तो मेरे दिमाग में कितना, मतलब कितना मैंने अपने मन में हैप्पीनेस को फील किया कि ये शुरुआत है, मतलब मेरे लिए ये शुरुआत है, और बहुत खूबसूरत शुरुआत थी उसकी भानु की। Absolutely. मतलब मैं उसका वीडियो डेली देखती हूँ कि, और उसको देख के मेरा मन नहीं भरता है कि मतलब भानु, और मैं मानती हूँ कि भानु बहुत कुछ कर सकती है। Absolutely. उसको सिर्फ सपोर्ट की, भानु को ही नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़े वीक हैं लेकिन उनको सिर्फ थोड़े सपोर्ट की और सपोर्ट की जरूरत है, और स्पेशली पूरी सोसाइटी के सपोर्ट की जरूरत है। Absolutely true. So this is something which you know extraordinary की तरफ से हमारा जो event, हमेशा हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, इस पर हमने special कर दिया है, and thanks to प्रीति जी जिन्होंने ये initiative लिया कि अपने बच्चे के लिए वो रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, और नहीं है तो वो खुद क्रिएट करने की कोशिश करे। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड हु हैज स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एंड नीड, एंड देन मोल्ड योर सेल्फ, द फैमिली एंड द एंटायर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स नीड। इट इज नॉट ईजी, एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि आप कितने एफर्ट ले रहे हो। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से एवरीवन दैट आप भी ऐसे, हम तो ऑब्वियसली ये शुरुआत कर चुके हैं और हम और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर भानु के साथ हम कुछ ना कुछ आगे और प्रोजेक्ट्स करेंगे, बट ऐसे ही स्पेशल चाइल्ड हो या कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी यू नो देयर इज अ स्पेशल थिंग इन अ चाइल्ड और ग्रोन अप्स, आई एम श्योर दैट वी ऑल एज अ सोसाइटी कैन हेल्प ईच अदर इन सर्टन वे, एंड वी कैन बी ग्रेट सपोर्ट टू ईच अदर एज अ ह्यूमन बीइंग। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू भानु, यू कैन से थैंक यू टू एवरीवन, से थैंक यू एंड यू नो फ्लाइंग किस, यस एज थैंक यू प्रीति जी, इट वॉज वेरी लवली मीटिंग यू, बहुत बहुत थैंक यू। और इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के माध्यम से मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी बात उन लोगों तक पहुंचे जो भानु को किसी भी तरह मॉडलिंग में, प्रिंट शूट में हेल्प कर सकते हैं। Absolutely. And I'm sure next time जब मैं भानु का इंटरव्यू लूंगी, she would be like a proper professional model. भानु ने मुझे बोला हुआ है कि उसे भूतनाथ के साथ काम करना है। So, भूतनाथ की कास्टिंग टीम जरूरी है। Let's hope and pray that she have all dreams, आपकी ड्रीम्स जो उसके साथ जुड़े हुए वो सारे फुलफिल हो जाए। भूतनाथ के साथ
परफेक्ट, तो भूतनाथ के साथ हम लोग ट्राई करेंगे आपको उसमें भी काम मिल जाए. डेफिनेटली थैंक यू सो मच. एंड ऑन दिस नोट वी आई एम सेइंग बाय टू यू ऑल फॉर दिस एपिसोड. हम नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर इट विद द होल वर्ल्ड, बिकॉज ऐसे स्पेशल चीजें और ऐसे स्पेशल इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको सिर्फ हम ही दिखाते हैं. थैंक यू सो मच. ऑन दिस नोट थैंक यू ऑल, लव यू ऑल. करुणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम एग्जाम टॉक शो. बाय. अच्छे लगते हैं ये कहना तुम. मेरी क्लिप अच्छी लगी आपको? अच्छी बटरफ्लाई लगी. अच्छी लगी.